हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब पर आपका स्वागत है और मैं हूँ राजेंद्र मालवीय। आज हम बात करने वाले हैं शब्द निर्माण में वाक्य की। वाक्य क्या होते हैं? तो वाक्य को हम समझते हैं दो या दो से अधिक पदों के सार्थक अर्थ को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिला दिया जाए और उन शब्दों को मिलाने से कोई सार्थक अर्थ निकल जाए तो हम उसे क्या क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना? यही परिभाषा है इसकी, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसको जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। अब इसमें देखें तो ये क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। इसमें जो शब्द है सत्य कभी पराजित नहीं होता है, इससे पूरा अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, ये एक अधूरी जानकारी नहीं है। यदि हम इसको ऐसा लिखें, सत्य कभी पराजित, ऐसा लिख दें सत्य कभी पराजित, इतना ही लिखें, तो इससे कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या है? पूर्ण वाक्य नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो वाक्य होता है उसमें जो पदों का पूरा सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं अन्य उदाहरण से, श्याम परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। श्याम परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है, ये पूर्ण वाक्य है। इससे पूरी जानकारी मिलती है कि श्याम परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है ना? यदि हम इसको ऐसा लिख दें, श्याम परीक्षा के लिए, तो ये क्या है? एक अधूरा वाक्य है, इससे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पदों को जोड़ने पर एक सार्थक अर्थ निकल जाए वो वाक्य है। अब वाक्य के अंगों की हम बात करें तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा क्या होता है? विधेय। पहला क्या होता है? उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विधेय। तो यदि हम वाक्य को ध्यान से देखें तो उसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य मतलब उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, और विधेय कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्य में कही जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब इसे कैसे समझें? जैसे राम ने भोजन ग्रहण किया, राम ने भोजन ग्रहण किया। अब इसमें राम क्या है? कर्ता है। राम क्या कर रहा है? भोजन ग्रहण कर रहा है। तो राम क्या हो गया? कर्ता, मतलब उद्देश्य, विधेय। इसके अलावा जो भी बात कही गई है भोजन ग्रहण करने की वो तो सब क्या है? विधेय है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम क्या करते क्या समझेंगे कि वाक्य में दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है? अब हम विधेय और उद्देश्य को हमने समझा, अब समझेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो प्रकार से कर सकते हैं, मतलब वाक्यों में यदि हम भेद को समझे तो दो प्रकार से होंगे। पहला, अर्थ के आधार पर कि वाक्य से किस प्रकार का अर्थ निकल रहा है। दूसरा है रचना के आधार कि वाक्य की रचना किस प्रकार से की गई है। एक तो वाक्य से जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर, और दूसरा वाक्य की रचना के आधार पर कि वाक्य को किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है? तो पहले हम समझेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद हम कितने प्रकार से करते हैं? आठ प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है? पहला हमारा विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए, भारत हमारा देश है, इससे क्या हुई? जानकारी प्राप्त हुई कि भारत हमारा देश है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, ये भी इससे भी क्या हो रही है हमें जानकारी, मतलब ऐसे वाक्य जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होते हैं। अन्य हम ले लें जैसे एग्जाम्पल के लिए, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, तो ये क्या है? इससे जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ऐसे वाक्य जिससे हमें कहीं कोई कोई ना कोई जानकारी प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों में निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब जिससे हमें कोई जानकारी प्राप्त ना हो, नकारात्मक वाक्य जिन्हें हम बोल सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे वह नहीं आ रहा है, श्याम नहीं जा रहा है। ठीक है? इस प्रकार से हम जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं, वह क्या कर रहा है या वह कितने बजे तक आएगा, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिनसे प्रश्न
बनते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विस्मय, विस्मयादिक वाचक वाक्य, मतलब जिससे वाक्य से हमें विस्मय प्राप्त होता है, जैसे वाह क्या बात है ना, वाह उसने बहुत अच्छा किया, ये सब क्या है विस्मयवादी, आहा इस काम को करने में मजा आ गया, ये क्या है विस्मयादिक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें आज्ञा दी दी जाए, जैसे आप यह काम कर लीजिए, है ना, आपको इस पेन से लिखना है, ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सब क्या है आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक मतलब जो आपकी इच्छा हो, जैसे कि आपका भला हो, आप अच्छे कार्य करो, सब क्या है इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक, संकेतवाचक मतलब जिसमें संकेत दिया जाए कि उधर जाइए, राम का घर इधर है, ठीक है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो संकेतवाचक, उसमें संकेत के माध्यम से वाक्य में संकेत की बात कही जाती है। नेक्स्ट है संदेहवाचक, मतलब जहाँ पर क्या हो संदेह पैदा हो, क्या वह आ रहा है, क्या वह 3 बजे आ रहा है, मतलब संदेह है, कन्फर्मेशन नहीं है, है ना, तो यहाँ क्या है संदेह, इसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य, हमने एक समझा अर्थ के आधार पर, हमने देखा था कि जो वाक्य के भेद होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार से होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक ही विधेय होता है, मतलब एक ही विधेय, मतलब कोई करता एक ही कर्म की बात कर रहा होता है, वहाँ क्या होता है एक ही विधेय होता है, जैसे राम भोजन ग्रहण करता है, जिसमें राम जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसमें भोजन ग्रहण करने की बात कही गई और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कही गई है, सिंपल वाक्य वाक्य है। क्या सरल वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसमें एक ही विधेय होता है, किसी दूसरे विधेय की बात नहीं होती है कि भोजन ग्रहण कर रहा है और कहाँ देख रहा है क्या कर रहा है, ये सब बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है सिर्फ राम भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है सिंपल या साधारण वाक्य होते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्य क्या होते हैं समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वह सुबह स्कूल जाता है और शाम और वह शाम को घर आता है, मतलब या राम सुबह मंदिर जाता है और वह दोपहर को घर वापस आता है, इसमें दो या दो से अधिक वाक्य हो गए कि वह राम मंदिर सुबह जाता है और वह दोपहर को वापस आता है, 2 वाक्य हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उस पर मतलब उस पर डिपेंड होते हैं, जैसे यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, मतलब परीक्षा में पास होना इस पर आश्रित है ना, कठिन परिश्रम करेंगे तभी क्या होगा परीक्षा में पास होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं मिश्रित या मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने समझा वाक्य भेद, उसके अंग और क्या समझा वाक्यों के भेद। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।